घर में बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, फैमिली के साथ स्वादिष्ट और अच्छे माहौल में खाना खाने का मूड हो, लॉन में खाना हो या बंद एसी कमरे में खाना हो या प्राइवेसी चाहिए हो, हर सुविधा उपलब्ध है। एक बार पंधाना रोड पर सिरपुर फाटे के पास होटल फगुन में जो फैमिली रेस्टोरेंट है विजिट जरूर करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के संयुक्त बालक छात्रावास में खराब भोजन की शिकायत को लेकर आज एबीवीपी ने सहायक आयुक्त जनजाति विभाग के कार्यालय का घेराव किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने बताया कि नगर के लाल चौकी स्थित संयुक्त सीनियर बालक छात्रावास में विद्यार्थियों को भोजन ठीक प्रकार से नहीं दिया जा रहा है एवं भोजन की क्वालिटी भी बहुत घटिया है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। छात्रावास में किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं है। इस मामले को लेकर एबीवीपी ने कमिश्नर आदिम जाति का के कार्यालय का घेराव करके ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सहायक आयुक्त को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्रावास का निरीक्षण करवाकर वहां की समस्या से अवगत कराया और कहा कि छात्रावास में फैली अनियमितताओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। इस दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक जियांशु प्रजापति, विभाग छात्रा प्रमुख श्रद्धा भमोरे, अजय बंजारे, विशाल सूर्यवंशी, रोहित यादव, खुशी तंवर, नमन कातोरे, रोहित गवली, लुभित यादव, तरुण टाक, उमंग पालीवाल, आयुष नीलकंठ, दीपांशु पटेल, विजित वर्मा और संस्कार मीणा के अलावा भूमिका साहू, प्रवीण पटेल, राज प्रजापति, ऋतुराज एवं मोंटी सेन, अमन प्रजापति इत्यादि कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। ये रोटी देखिए, वहाँ पे एक लेडीज नौकरी का ये अबाउट हो गया है, उनके हस्बैंड आते हैं। ये खाने के अंदर दारू का क्वार्टर है, ये देखिए, ये दारू का क्वार्टर, ये क्वार्टर देखिए, टिफिन लाए हैं, खाना खोलिए, खाना खोलिए, ये बताइए। अरे एक मिनट यार, अरे क्यों, ये हॉस्टल के अंदर दारू कहाँ से, तुम पीते हो क्या? नहीं, अरे एक और सर, और ये देखिए सर, ये पी के ये खाना देखिए, आज की आलू की सब्जी देखिए, ये देखिए, ये देखिए सर, ये दारू पी के देखिए कैसे पड़े हॉस्टल के अंदर, ये दारू पी के देखिए हॉस्टल के अंदर सोए हुए हैं सर, ये देखिए, ये वहाँ का भोजन की क्वालिटी, दारू सर को खिलाओ, दाल में दाल नहीं है सर, ये सर, अरे इस प्रकार का खाना आप खाएंगे क्या? ये देखिए, अगर आप खा लोगे तो हम भी खा लेंगे, ठीक है, ये देखिए खाना खाने लायक साफ सफाई, साफ सफाई नहीं सर, अभी तक कुछ सुधार भी नहीं हुआ, उसमें कर्मचारी आते हैं और कभी कभी तो दारू पी के आते हैं, नहीं साफ सफाई करते हैं, और दो ही कर्मचारी है, अभी तक कर्मचारी का भी कोई आदेश नहीं दिया है, और जैसा आते वैसे, और एक कर्मचारी मतलब एक आदमी और एक आंटी आते, तो आंटी के बदले उनका हस्बैंड आता है और वो भी पी के आता है, और वो भी खाना सही से नहीं बनाते, और जब हम बोलते हैं खाना सही बनाने का तो वो भी बोलते तुम एडजस्ट करो, हमको एडजस्ट करने का बोलता है, ये बहुत दिन से ऐसा ही चल रहा है, और हमने आज जब खाने के टाइम पे खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम में गए तो वहाँ पे हमने खाना ख़राब देखा, जिसकी वजह से सभी बच्चे विभाग में जाने के लिए तैयार हो गए और हम सभी सड़क पर उतर आए सर। मेरा नाम जतिन घाटे, मैं हॉस्टल में रहने वाला हूँ, मेरे गाँव का नाम इंदौरी। प्रति श्री सहायक संयुक्त महोदया जनजाति कार्य विभाग खंडवा लाल चौकी स्थित संयुक्त सीनियर बालक छात्रावास में छात्रावास में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संदर्भ में महोदय, जैसा कि ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस देश का ही नहीं अपितु विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त है, जो अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, समाज हित एवं राष्ट्र हित में कार्य करता आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने नगर में स्थित लाल चौकी संयुक्त सीनियर बालक छात्रावास में विद्यार्थियों को भोजन ठीक प्रकार से नहीं दिया जा रहा है एवं भोजन की क्वालिटी बहुत घटिया है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं बच्चों की तबीयत खराब हो रही है एवं छात्रावास में किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती है। अतः महोदय, विद्यार्थी परिषद आपसे मांग करती है
छात्रावास में फैली अनियमितताओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन की ओर बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। बहुदीय हर्ष वर्मा, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। जी बताइए, क्या कुछ आज मांग लेकर आए थे? भैया, अपने नगर में एक संयुक्त बालक छात्रावास है, वो छात्रावास में इतनी स्थिति खराब पड़ी हुई है कि यहाँ के भोजन में कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, साफ सफाई की भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और बच्चों का मेन्यू कार्ड बराबर बना नहीं है, तो विद्यार्थी यहाँ पर परेशान हो रहा है। तो आज इसी की मांग को लेकर हम इसी मैडम को के कार्यालय का घेराव करने आए थे और हम यही मांग करते हैं कि इन स्टूडेंटों की जो अनियमितताएँ चल रही है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद पूरा से पूरा आंदोलन करेगी। और यहाँ के जो एक वार्डन है वो भी यहाँ पर आए दिन पी के आते हैं और दारू की भी क्वार्टर वगैरह मिलते रहते हैं। अगर शिक्षा के मंदिरों में इस प्रकार के लोग रहेंगे पीने खाने वाले, तो छात्रों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, छात्र उनसे क्या सीखेंगे? तो विद्यार्थी परिषद आज यही मांग करती है कि यहाँ पर जो भी अनियमितताएँ चल रही है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन विद्यार्थियों को न्याय मिले और यहाँ के भोजन में जल्द से जल्द सुधार किया जाए। हर्ष वर्मा, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा। दूल्हे की शेरवानी का कपड़ा हो या पैंट शर्ट का, या हो कोट पैंट का कपड़ा, या हो सफारी सूट का कपड़ा, अपना कलेक्शन पर सब मिलता है। फैमिली को लेकर टेंशन हो तो सस्ते से लेकर महंगा कपड़ा सब यहाँ मिलेगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा टपाल चाल चौराहे पर अजंता रेडियो के बाजू में जाकर दुकान पर विजिट भी कर सकते।